मैं एक आज़ाद देश में रहती हूँ, वो प्रिविलेज उषा को नहीं पता था। वो बर्न मार्क्स भी होते हैं तो आप रैंप पे एकदम कॉन्फिडेंटली चलती हैं और फिर हेडलाइन बनती है कि सारा अली खान वॉक्स द रैंप विद बर्न मार्क्स। आज के टाइम पे सोच सकते हैं बिना मोबाइल के, बिना कॉन्टेक्ट के, अगर सारा को रहना हो, मान लो एक दिन रहना हो, मैं एक हफ्ता रह सकती हूँ, बस प्रमोशन नहीं हो पाएगी। मेरी मॉम मेरी क्रिटिक तो हैं सबसे बड़ी, लेकिन मेरी प्रेरणा भी हैं। मुझे क्या पता था सही होने का दाम दर्द से चुकाना पड़ता है। अच्छा, बहुत टाइम से सारा अली खान का इंटरव्यू स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका जर्नलिस्ट के पास होता है, नमस्ते दर्शकों, आपने खुद ही दिया है। बट उषा मेहता, हाउ शी स्टार्ट्स, उनका क्या सिग्नेचर स्टाइल है? नमस्ते देशवासियों। नमस्ते देशवासियों। सो नमस्ते देशवासियों, वी हैव सारा अली खान विद अस और आई से उषा मेहता। आपकी मर्जी, दर्शकों के लिए सारा, श्रोता के लिए उषा। श्रोता के लिए, एक तो आपकी हिंदी इतनी कमाल की है, मतलब आई थिंक अच्छे अच्छे जो हिंदी के प्रखंड लोग हैं वो भी जो है पानी भर लेंगे, मतलब द वे यू प्रोनाउंस, एक एक वर्ड एकदम क्लियर होता है, जो कि नॉर्मली आजकल आज की जनरेशन जो है उसमें हमें नहीं देखने को मिलता है। तो हिंदी कैसे इतनी अच्छी है आपकी? आपका पहला इंटरव्यू जब हुआ था, हमारे चैनल ने किया था, सो इट वॉज लाइक इतना टॉक ऑफ द टाउन था कि इतनी अच्छी हिंदी बोलती है लड़की। सब भारतवासियों, मातृभाषा है, बोलनी तो सबको चाहिए। बिल्कुल सबको बोलनी चाहिए, बट कम लोग इतनी अच्छी बोल पाते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट उषा मेहता, सो टेल अस किस तरह से प्रिपेयर किया, बिकॉज ये आई थिंक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत हिस्टोरिकल है और आई थिंक हमारे आपके ज़माने से बहुत पहले का है, तो उसको आपने देखा भी नहीं है, कुछ रेफरेंसेस भी बहुत कम हैं उस टाइम के। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? सो मुझे लगता है जब बाहर का जो वातावरण हो या माहौल हो उसे हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी जीवन शैली अलग रही है, तो आप शायद सिर्फ एक जो रूह होती है ना उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो एक टाइम पीरियड पे सीमित नहीं होती। वही हमेशा हमारी कोशिश थी इस सेट पर, कन्नन सर और मेरी, क्योंकि शायद मैं नहीं आपको दिखा पाऊँगी कि फांसी का जो डर है वो क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं एक आज़ाद देश में रहती हूँ, वो प्रिविलेज उषा को नहीं पता था। तो दी ओनली वे टू काइंड ऑफ शोकेस दैट लाइफ आई थिंक इज़ टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट। तो जो आपके अंदर की जो आग है कि करो या मरो, जब आपको लगता है कि यार ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो भी मेरे हाथ में हूँ करूँ, वो जो आग, तो आग भी कम है बोलना, ज्वाला जो है ना वो ही समझना, वो ही कर सकते थे हम, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ऊपर ऊपर से तो सिचुएशंस बहुत अलग हैं, लेकिन अंदर से जो आपकी स्पिरिट है उसे ही समझने की कोशिश कर सकते हैं प्रेप में। अच्छा, आपने उस पीरियड को कहीं ना कहीं जिया इस दौरान, जो फिल्म हम शूट करते हैं तो रिसर्च भी होती है, वर्कशॉप्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, आप समझते हैं कि वो पीरियड। तो सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा? आप आज की जनरेशन में हैं 2024 में, जहां आपको बर्न मार्क्स भी होते हैं तो आप रैंप पे एकदम कॉन्फिडेंटली चलती हैं और फिर हेडलाइन बनती है कि सारा अली खान वॉक्स द रैंप विद बर्न मार्क्स। सो आज का टाइम और वो टाइम, क्या लगा कि मतलब उस वक्त में क्या ऐसा नहीं था जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था? आज़ादी के अलावा आज़ादी नहीं थी, संपर्क नहीं था, एक कोने से दूसरे कोने तक आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, वो नहीं था। आप बोल रहे हैं ना कि मैं रैंप वॉक पे चलती हूँ और लोग जूम इन करके पेट का जो निशान है वो देख के बोल रहे हैं कि यार ये है। ये कहानी तब की कहानी है जब रेडियो का सोचना ही एक नया थॉट था, वो ही अलग था। आज के टाइम पे सोच सकते हैं बिना मोबाइल के, बिना कॉन्टेक्ट के, अगर सारा को रहना हो, मान लो एक दिन रहना हो, मैं एक हफ्ता रह सकती हूँ, बस प्रमोशन नहीं हो पाएगी। तब प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रमोशंस करना लगता कैसे है वैसे, फ्रेंकली? डिपेंडेंट है। मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक यही मौका मिलता है जहाँ एज एन एक्टर आपका काम एक्चुअली हो गया है, आपका काम सेट पर एक्टिंग करना है, वो मैं कर चुकी हूँ। अब बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म सेट, दिस इज़ माई लिटिल सेलिब्रेशन टाइम विद माई टीम, जहाँ हम देखते हैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई और जर्नलिस्ट आएगा उनसे बात करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी अपनी फिल्म, तो मुझे तो अच्छा लगता है। और अलग अलग जगह का फूड, यू ट्रैवल, बिकॉज आई हैव सीन, मैं आपसे दिल्ली में मिला था तो आप प्लान कर रही थी, आपने मुझे बताया भी था कि ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगी, लंच में ये खाऊंगी। एंड दिल्ली का खाना तो बड़ा अच्छा लगता है। और अतरंगी के वक्त हुआ होगा जो दिसंबर की रिलीज थी, तो सरसों का साग सीजन में था। अब मार्च में कौन खाएगा? नहीं, और भी चीज़ें हैं बहुत कुछ। बट आजकल मोमोज बड़े फेमस हैं, पता नहीं क्यों, मतलब दिल्ली वालों को, मतलब दिल्ली में इतने मोमोज मिलने लगे हैं। अच्छा। जो भी हमें पूछता है वो कहता है अच्छा मोमोज बड़े अच्छे मिलते हैं दिल्ली में। आई डोंट नो हाउ सडनली। आपने ट्राई किया? नहीं। नो। अच्छा, आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मम्मी। मतलब अगर कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता, सो हाउ शी, कैसे बताती है वो? सीधा कि बेकार था जी, या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है? वो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो ज़रूर, पर हाँ बेकार तक चली जाएंगी अगर कुछ ऐसे ही बेकार लगे तो। शी हैज सीन द फिल्म? यहाँ नहीं कहा ऐसे उन्होंने बेकार नहीं लगा उन्हें। चलो, इसका मतलब नहीं, शी रियली लाइक द फिल्म। आई थिंक कि यू नो मेरी मॉम मेरी क्रिटिक तो हैं सबसे बड़ी, लेकिन मेरी प्रेरणा भी हैं। और कहीं ना कहीं जब वो कहती हैं कि तुम्हारा काम देखकर मुझे गर्व महसूस हुआ, तो जो भावनाएं मुझे महसूस होती हैं वो बहुत शुद्ध होती हैं। तो वो ही लगा कि जब मॉम ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, आई फेल्ट कि यार बेटी बतौर तुमने अपना काम किया है। अच्छा, सारा खुद अहिंसावादी हैं या फिर हिंसावादी तो नहीं कहूँगा खैर, कि मतलब अगर कुछ, बिल्कुल नहीं कि कुछ किसी ने कर दिया और सारा को गुस्सा आया तो प्यार से बोलेंगी या फिर? कोशिश तो वही रहती है, कोशिश तो वही रहती है। मुझे लगता है कि जैसे इस फिल्म की अगर हम बात करें तो उषा मेहता के अंदर आग तो थी, लेकिन उसके साथ साथ ना एक निर्णय ले लिया था उन्होंने कि चाहे मुश्किल हो या आसान, मैं अपने मार्ग से नहीं झिझकूंगी। वो जो एक चीज़ थी ना, वो मुझे नहीं पता अगर मुझ में है या नहीं। वो एक लाइन भी है उसकी फिल्म में जब वो कहती है कि मुझे क्या पता था सही होने का दाम दर्द से चुकाना पड़ता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ, कि आप इतने श्योर हो कि आपको सही होना है कि जो हो जाए हो जाए। आज की तारीख में अगर हम, मैं सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं इतने कैलकुलेशंस चलते हैं दिमाग में कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा या बहुत हानिकारक चीज़ है, तो भले ही वो सही हो हम नहीं करते हैं, क्योंकि लाभ ढूंढने लगते हैं। ये लाभ हानि का खेल ज़्यादा हो गया है एज अपोज टू सही गलत। आई डोंट लाइक दैट। अच्छा, रेडियो आपको पसंद है? रेडियो सुनती है? गाड़ी चलाती है? गाड़ी चलाती नहीं हूँ, मतलब गाड़ी में सुनती, गाड़ी में। हाँ जी, यू लव रेडियो जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हम अमेजोन ने कल ही 70 टाइटल्स दे हैव लॉन्च्ड, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि एक साथ। यू आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, और जैसे आप इस एज में इस तरह का रोल कर रहे हैं, तो आई थिंक पहले अगर हम कुछ वक्त पहले देखें तो हीरोइंस इस तरह का रोल मिलने में उनको एक मुकाम तक पहुंचना पड़ता था, या लगता था कि भाई 10-20 साल हो गए तो उसके बाद देंगे। सो डू यू थिंक दिस OTT फेज जो आया है, ये कहीं ना कहीं, अभी एक रिलीज और हुई आपकी, मर्डर मुबारक, हालांकि बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, नहीं ये बहुत अच्छा है आप बोल सकते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि ये जो पूरा फेस चल रहा है OTT का, आई एम सीइंग, हमने वहाँ पे देखा कि इतने सारे यंग डायरेक्टर्स, मतलब जिनके नाम भी शायद हमने नहीं सुने थे, बड़े बड़े टाइटल्स के साथ वहाँ आ रहा था, डायरेक्टेड बाय दिस, डायरेक्टेड बाय दिस। सो डू यू थिंक कि एक्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज है कि दे कैन लाइक डू लॉट? 100%। आई थिंक दैट इट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपने खुद कहा, आई माई सेल्फ एम कमिंग टू यू विद 2 सच डिफरेंट फिल्म्स बैक टू बैक। तो आई थिंक दैट या आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, एंड बस यही कोशिश है कि मिलते रहें ऐसे अवसर। होपफुली मिलते रहेंगे। मुझे 10 ही मिनट दिए थे इन लोगों ने आपके साथ, और सामने से 3-4 लोग घूरे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सारा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड होप यू कीप एंटरटेनिंग अस। आई होप सो। सो देशवासियों, अब नमस्ते दर्शकों से नमस्ते देशवासियों हो गया। सो सफ़र जो है यहाँ तक आ गया है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा चले। थैंक यू सो मच।